कंडक्टिविटी के की वैल्यू भी गिवन है 50 कितनी है 50 ठीक है एंड द थिकनेस ऑफ दिस सो ये एक वॉल होता है पिछले उसने बता दिया ना सो मैं यहां पे चलो डायग्राम ड्रा कर लेता हूं साथ ये प्लेन वॉल है उसे क्वेश्चन में जो दिया है ना कि वॉल है और ये देखो के और ये उसका लेंथ है सो ये असल में वॉल का थिकनेस हो गया फिर को हम एल कहते हैं ना सो ये एल ही गिवन है कितना है 8 सेंटीमीटर is observed to be this वो कह रहा है कि temperature distribution is this wall is observed to be this उसने ये T के अंदर C लिखा है ये C नहीं ये T की ये T X है जब function of X so ये C पर भी लिखा है okay and X is in meter X is in meters ये कह रहा है कि 1, 2, or 3 parts से पहले के draw a sketch of wall clearly identifying the coordinate system ओके ना स्केच बनाओ मैंने बना दिया मैंने के भी लिख दिया लेकिन उसने कहा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसको लेट्स से मैं यहां से बना लेता हूं ये x 0 और ये x l सो ये मेरा वो पार्ट से पहले वाला क्वेश्चन है अब मैं डायरेक्टली वो सभी के रिक्वायर्ड क्या है मेथड है ना एक तो ये मेथड है कि आप टेबल बनाओ टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है x की वैल्यूज पुट करते रहो पॉइंट्स लेना आते रहेंगे फिर एक्स वाई पे बनाओ वो पॉइंट लेना वो खड़ा करो फिर उसको प्लॉट करो लेकिन ये अगेन वही टाइम कंज्यूमिंग है हालांकि सर ने एक्सपीरियंस में भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया तो वो यही मांग रहा था लेकिन मैं इस मेथड से करूंगा देखो ये टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ना सो सबसे पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इस वॉल में मैक्सिमम टेंपरेचर किस पॉइंट पे है अगर वो पता चल गया ना तो ऑलरेडी यहां टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे पता है कि ये पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन है सो अगर वो पता चल गया मतलब पैराबोलिक तो है लेकिन अब मुझे ये पता नहीं है कि ये किस तरह का पैराबोलिक है इस तरह का पैराबोलिक है इस तरह का किस कैसा है तो मेरे को मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है मैक्सिमम किस तरह से फाइंड करूंगा सो dt / dx लो हम फाइंड कर लेते हैं वो कहता है 2vx और उसको 0 के अक्रॉस पुट कर लेते हो उसी x की वैल्यू निकालते हैं वो 0 आती है और फिर पीरियड ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करते हैं क्यों करते हैं कि ये मैक्सिमम है इस पे या मिनिमम है वो आप लोग बात देख सकते हैं लिख करता हूं वो है 2b और b की वैल्यू नेगेटिव है माइनस किया था सो माइनस 12 हजार आता है इसका मतलब ये नेगेटिव है सो एट x is equal to 0 there is maximum so इसका मतलब ये है अभी मेरे पास आ गया इसका टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा अगर ये वाला है इसका ये मैक्सिमम है और पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है ये मुझे ऑलरेडी पता चल गया अब मुझे सिर्फ चंद ही पॉइंट्स पुट करने हैं इससे पहले आपने बहुत सारे पॉइंट्स पुट करने थे अभी ये ना बस एक ये पॉइंट पुट करो और दरमियान में बस दो पॉइंट और पुट कर दो सो खत्म किस्सा खत्म सो इस कैलकुलेशन से मुझे ये ना ये आसानी हो गई सो सबसे पहले आपने देखो ये वाला टेबल प्लॉट करना है यहां पे क्या होगा x एन मीटर ये याद रखो ठीक है x एन मीटर और यहां पे क्या होता है टेंपरेचर इन सेंटीग्रेड और ये टेंपरेचर का इक्वेशन भी यूं है a + b x स्क्वायर ये और b की वैल्यू है तो देखो आपने जो है ना इसमें वैल्यू पुट करनी है अभी मुझे समझ आ गया पर मैं ये देखो यहां पे लिखा है कि x इज मीटर और यहां पे सेंटीमीटर लिखा है कहां पे सो मैं 1 सेंटीमीटर प्लस वो मैं पुट कर रहा था सो वो लेग्स में आ रहा था सो अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है ना फिर सही आएगा सो अभी जो है ना वो ग्राफ गलत हो गया लेकिन अगेन ये देखो यहां पे आपने 0 पुट करना है या फिर 0.08 मैंने एड पुट किया था चला था और दरमियान में एक दो तीन पॉइंट और ले लो चलो 0.02 और 0.04 अब मुझे जल्दी कैलकुलेट करो ये आसान है बहुत a + b 0 स्क्वायर फेस से तो a आता है a कितना है 300 ये तो ठीक है अब इन 0 पॉइंट पे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो पता चलता है कि ये मैक्सिमम होगा ये डिक्रीज होता जाएगा 288 से 296 पे किस तरह चलेगा 297 ये क्या है 297 और 290 261 स्केल पे का ऊपर से जाएगा तो ये वो 0 पे तो 300 है ठीक है 0.02 पे 297 है ठीक है और 0.02 पे 290 है ठीक है और 0.08 पे 261 ठीक है तो ये पुट स्केलर रिमूव कर दोगे ना ये क्वाड्रेटिक के लिए ना अपना सा
क्यों? क्योंकि इस पे वो ये जो इसी तरह बड़ा कर दोगे स्क्वायर भी आएगा, इस तरह आएगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाता है, ठीक है। सो ये इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो अभी ये है ना, ये आपका फाइनल, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पार्ट क्या है? मुझे इस टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन मुझे यहां से भी पता चलता है कि ये प्लेन वॉल विद एनर्जी जनरेशन है। क्यों? क्योंकि जब प्लेन वॉल विदाउट एनर्जी जनरेशन होता है उसमें टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होता है या फिर क्वाड्रेटिक है, या फिर होता है। इसका मतलब ये है कि अंदर प्लेन वॉल में कुछ एनर्जी जनरेट हो रही है, तो कह रहा है वही एनर्जी जनरेशन आप फाइंड करो। सो टू नंबर किस तरह फाइंड करो? d / dx / u / d / k = 0। ये प्लेन वॉल का बेसिक इक्वेशन है, किस किस को नहीं याद है? तो देखो d स्क्वायर t / dx स्क्वायर दो दफा जब डेरिवेटिव ले लोगे ना तो ये 2b आ जाएगा प्लस ये q डॉट क्या है? एनर्जी जनरेशन पर यूनिट वैल्यू, ये हमने कैलकुलेट करना है। और k की वैल्यू की कीमत है तो देखो n 2 k, ठीक है। और फिर ये इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस k आता n 2 50 अच्छा तो कैलकुलेट करो तो माइनस माइनस का सम सब को ये 60,000 या फिर हीट फ्लक्स कैलकुलेट करो। सो हीट फ्लक्स किस तरह कैलकुलेट करूंगा? 4 इयर्स ला के है देखो हीट फ्लक्स क्या होता है कि ऊपर यूनिट एरिया, इसको हीट फ्लक्स के ऊपर यूनिट एरिया हम डबल बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू 4 इयर्स ला माइनस के ए तो इधर आ गया है और dt / dx अब जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है उसी पॉइंट को पुट करना है dt / dx में, ठीक है। सो इस सरफेस रेंज में हमें हीट फ्लक्स कैलकुलेट करना है। So dt by dx at x is equal to 0. So देखो q dot at x is equal to 0 ये क्या है? Heat flux at this point पे वो आता है minus k और dt by dx की वैल्यू तो ये है, लेकिन x जब 0 पुट करो तो ये कंप्लीटली 0 हो जाता है। तो 0 so heat flux at this wall surface is 0 and what is heat flux at x is equal to l at the end of this wall? So again वही फार्मूला है minus k dt by dx और या भी देखो पर x इक्वल टू l और ये देखो पर x इक्वल टू 0। सो अगेन वही डिटेल, लेकिन x के बजाय आपने l पुट करना है। तो किस तरह होगा? माइनस k 2bx सो 2bl। सो इस को आप है ना l की वैल्यू की बने, लेकिन इसको आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 0.0 है और अगेन वही चीज है, और ये d के साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, ये खत्म हो जाएगा और फाइनल आंसर ठीक है। सो ये नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये हिट प्लस है ना वो उसके डायरेक्ट आउटवर्ड है, ये आउट निकल रहा है। और सारी बात एक पता नहीं ऐसे लगता है कि चूंकि यहाँ पे जनरेट हो रही है, यहाँ पे स्लोप 0 है सो हिट फ्लो भी 0 है। तो इसका मतलब ये एक एडियाबेटिक सर्फेस है, ना हिट अंदर आ रहा है ना हिट अंदर से बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये कि ये एसाइक्लोनेटिक यहाँ पे कुछ इंसुलेशन पड़ा और सारी एनर्जी ना वो उधर जा रही है। सो ये देखो इसे पर मीटर स्क्वायर की वाट एनर्जी बाहर जा रही है। अगर इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया आप मालूम हो ना तो आप फाइंड कर सकते हो कि कितना कितनी टोटल एनर्जी यहाँ पे जा रही है। सो दिस इज अगेन क्वेश्चन।